हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आर्यन एंड फॉर टुडेज़ वीडियो आप लोग देखने वाले हैं कि जो भी हम लोग ने जन्माष्टमी में सामान परचेस किया उसका शॉपिंग हॉल वीडियो। और ये वीडियो जो है 3 से 4 पार्ट में आएगा, क्योंकि हम लोग ने तीन से चार बार शॉपिंग की है एंड जन्माष्टमी के दिन भी शॉपिंग की। वो आप लोगों को नहीं दिख पाएगा बिकॉज बहुत भीड़ था एंड मेरे पास जन्माष्टमी के दिन टाइम भी नहीं था आप लोगों को दिखाने का। सो, जितना है आप लोगों से देख के एंजॉय कीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग गए थे ऐसे ही शॉपिंग करने, तो हम लोगों को जन्माष्टमी से कुछ रिलेटेड सामान अच्छे लगे, मतलब ठाकुर जी के लिए कुछ सामान हम लोग लेके आए हैं। फर्स्ट है ये ड्रेस, ये 0 नंबर के लिए है और इसी से मैचिंग कलर है एक। ये है ब्लू कलर, ये है ग्रीन कलर। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये हम लोग को पड़ा 60 रुपीज़ का, ये भी पड़ा 60 रुपीज़ का। एंड ये एक हम लोग ने हनुमान चालीसा का बुक लिया है और एक ये ड्रेस लिए पिंक कलर का, एक ये ड्रेस। ये सब 0 नंबर के ठाकुर जी का है। ये हम लोगों को पड़ा 50 रुपीज़ का एंड ये हम लोगों को पड़ा 20 रुपीज़ का। फ्रेंड्स, हम लोग आज भी गए थे शॉपिंग करने एंड आज भी हम लोग कुछ जन्माष्टमी का सामान लाए हैं। ये एक्चुअली ठाकुर जी का हम लोग सामान लाए हैं। सबसे पहले है ये 2 ड्रेस। ड्रेस तो हम लोग ने को बहुत ज़्यादा परचेस किया है, अभी और करना है। ये रहा एक पिंक कलर का ड्रेस एंड ये रहा ब्लू कलर का ड्रेस। आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछली भी ड्रेस मैचिंग, ये वाली भी ड्रेस मैचिंग और दोनों 0 नंबर, तो इसमें से कुछ जो ड्रेस है वो मेरे मामा के ठाकुर जी का है, तो हम लोग यहाँ से ख़रीद के उनको भेज देंगे। तो ये रहा कुछ ड्रेस, ये हम लोगों को पड़ा 70 रुपीज़ का एंड ये वाला भी हम लोगों को पड़ा 70 रुपीज़ का। उसके बाद और ड्रेस दिखाते हैं, ये दूसरा ड्रेस, ये वाला, ये और ये, दोनों 0 नंबर के हैं। ये हम लोगों को पड़ा 70 रुपीज़ का और ये हम लोगों को पड़ा 50 रुपीज़ का। और एक और ड्रेस हम लोग ने लिया है, अभी तो और ड्रेस लेना बाकी है। ये रहा एक ड्रेस, ये हम लोगों को पड़ा 70 रुपीज़ का, ये वाला भी 70 रुपीज़ का पड़ा। उसके बाद हम लोग ने कुछ ज्वेलरीज ली हैं। पहला ज्वेलरी ये रहा, ये 30 रुपीज़ का। उसके बाद ये 2 छोटे छोटे बैंगल्स लिए हैं, ये 20-20 रुपीज़ के पेयर पड़े हैं। और फिर एक ये छोटी सी बांसुरी ली है, ये 40 रुपीज़ का है। ये एक मुकुट लिया है 30 रुपीज़ का। और ये 2 मुकुट लिए हैं, ये पड़ा 50 रुपीज़ का दोनों, ये वाला भी 50, ये वाला भी 50। सो फ्रेंड्स, आज जाके जन्माष्टमी की शॉपिंग पूरी हो गई है। मेरे ख्याल से अभी भी पूरी नहीं हुई होगी, क्योंकि अगर हम लोगों को कुछ आगे पसंद आ जाता है, जन्माष्टमी के दिन पसंद आ जाता है, तो हम लोग और भी चीज़ें खरीद लेंगे। बट आज जितना खरीदे आप लोगों को दिखाते हैं। आज हम लोग ने इतना चीज़ खरीदा है एंड पहले तो खरीदा ही था, बट आज इतना चीज़ खरीदा है। सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट झोले का दिखाते हैं। ये रहे कुछ ज्वेलरीज, इनको मिक्स नहीं करेंगे। पहला ज्वेलरी रहा ये, दूसरा ज्वेलरी रहा ये, ये रहा ज्वेलरी। ज्वेलरी तो हम लोग ने बहुत सारी खरीदे हैं। तो ये रहा सबसे कम वाला प्लास्टिक, ये तीसरा प्लास्टिक रहा। इनका जो प्राइस था ना, वो आसमान को छू रहा था, इसलिए हम लोग ने ज़्यादा नहीं लिया। ये सबसे पहले आता है ग्लू, ये ग्लू मम्मी कितने का था? 30 रुपीज़। ये ग्लू 30 रुपीज़ का था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। एक ये हम लोग ने ये माला लिया, ये था 40 रुपीज़ का। एक ये वाला, ये था 80 रुपीज़ का।
और एक ये वाला, ये था 50 रुपीज़ का, कितना सुंदर सुंदर है, गिर गया मेरा। हम लोग ने नेकलेस भी बहुत सारे लिए, बस इस प्लास्टिक की कहानी यहीं पे ख़त्म। अब आता है आखिरी और सबसे मेन और सबसे सुंदर प्लास्टिक की बारी। तो सबसे पहले हम लोग ने ये ड्रेस लिया, ये देखिए कितना सुंदर ड्रेस है ये। इसमें का जो है ना एक मोती, ये देखिए यहाँ से निकल गया, तो इसे हॉट ग्लू से पेस्ट कर देंगे, एंड पीछे पटका वगैरह है। इसका प्राइस है 700 रुपीज़, बट ये कितना सुंदर है, ये देखिए ये वाला। उसके बाद ये रहा अम्ब्रेला, उनका अम्ब्रेला, ये हम लोगों को 300 रुपीज़ का पड़ा। एक पता है एक कितना छोटा, इससे भी छोटा था, तो हम लोग ने नई बड़ा ही वाला लिया। ये आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है, कितना सुंदर है ये वाला अम्ब्रेला, ये 300 रुपीज़ का। ये वाला भी हम लोग ने एक और इस कलर का लिया, ये वाला भी 300 रुपीज़ का। ये रहा, ये बहुत सुंदर सुंदर अम्ब्रेला है। ये सब ऑनलाइन तो आप लोगों को ही मिलेगा, भी नहीं मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। ये रहा छोटी छोटी मटकी, दो मटकी लिया एज यूजुअल, एक मेरे मामा के लिए और एक मेरे लिए। ये रहा दो मटकी, इनका प्राइस है 150 150 ईच। इसमें से एक मेरे मामा को जाएगा, एक मेरा होगा, इन दोनों में से भी एक मेरे मामा को जाएगा और एक मेरा। और फिर आता है कुछ और नेकलेसेस, देखिए देखिए देखिए, ये 30 का, ये 35 का, ये 40 का। बहुत सुंदर सुंदर नेकलेस हो गए। नेकलेस तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, इस बार बहुत ज़्यादा हम लोग ने परचेस कर लिया नेकलेस। और एक ये रहा पगड़ी उनका 50 रुपीज़ का, एक ये हम लोग ने उनके लिए बाल लिया, ये 20 रुपीज़ का। एंड एक बांसुरी ली, ये कितने का, ये 120 का, पीछे लिखा भी है 120। सो इतना ही परचेस हम लोग ने किया। तो अगर आपको ये मेरी शॉपिंग हॉल वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स तक मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स हम लोग का बहुत खाली खाली रहता है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। तो हम लोग ने ये ऐसा माला ख़रीदा, उसके बाद ये दो ड्रेस ख़रीदे, देखिए देखिए, अरे इन लोगों का प्राइस तो बताना भूल ही गए। ये है 50 रुपीज़ का, ये वाला 50 रुपीज़ का, एंड ये वाला 20 रुपीज़ का, और ये हम लोगों को 30 रुपीज़ का पड़ा, और ये वाला हम लोगों को 100 रुपीज़ का पड़ा, ये वाला ड्रेस हम लोग को 80 रुपीज़ का पड़ा। और उसके बाद आता है ये एक मोर पंखी छोटी सी, ये हम लोगों को 10 रुपीज़ की पड़ी। उसके बाद आता है सबसे अच्छा चीज़, ये सिंहासन, ये प्योर वुड में है, एंड ये हम लोगों को 500 रुपीज़ का पड़ा। कितना सुंदर है, अगर आप लोग ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन भी मेरे ख्याल से 500 से 600 रुपीज़ का पड़ेगा, एंड ऑफलाइन में मुझे मिल गया। ऑनलाइन में हम लोग देख नहीं सकते, देखने के बाद रिटर्न करने का बहुत ज़्यादा झमेला हो जाता है, बट ऑफलाइन में तो बहुत इजी हो जाता है देख के परचेस करना। तो इस वाले झोले का हो गया। है नेक्स्ट प्लास्टिक पर, ये रहा इसमें, ये तो मेरे मामा के लिए है ये वाला, और ये और ये, क्योंकि हम लोगों की जो मामा की शॉपिंग पूरी हो गई है। एक ये हम लोग ने लिया 0 नंबर के, एक ये 0 नंबर के, और एक ये 0 नंबर के। ये पड़ा 80 रुपीज़ का, ये पड़ा 100 रुपीज़ का, और ये पड़ा 60 रुपीज़ का। तो ये रहे कुछ 3 ड्रेस, ये मामा का ड्रेस है, और फिर ये जो ड्रेस आते हैं ये 100 रुपीज़ का, ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल का है, और ये
ये पड़ा हम लोगों को 300 रुपीस का। उसके बाद हम लोग ने एक ये सिंहासन लिया, ये 100 रुपीस का पड़ा। उसके बाद दो नाइट सूट लिए, ये ऐसे ये 40 का, ये 40 का। अगर आप लोगों के यहाँ ये सब नहीं मिलता हो देन कमेंट बॉक्स में बताएगा, अगर मेरे पास उनका नंबर होगा देन आप लोगों को बता देंगे अगर आप लोगों को ये चाहिए तो। आई थिंक सो उनका नंबर होना चाहिए जिनके यहाँ से हम लोग ने परचेस किया है। तो हम लोग ने कुछ टॉयज लिए, ये दो मोबाइल लिए जिस पे राधे राधा लिखा है, राधे लिखा है। ये दो लिए, एक मेरे ठाकुर जी के लिए, एक नानी के ठाकुर जी के लिए। ये रहे छोटे छोटे पतंग, ये सब 100 रुपीज़ का है। ये 100 का, ये 100 का, ये 50 का और ये 50 का। और उसके बाद एक सुंदर सा प्यारा सा स्टील का मुकुट लिया, पता नहीं कैमरे में क्यों नहीं इतना अच्छा आ रहा, बट ये बहुत अच्छा है दूर से दिखाएं तो। ये 100 रुपीस का है। एक ये पगड़ी लिया, ये भी 100 रुपीस का है। और एक ये पैंटीज ली 15 रुपए की। तो जो सेकेंड वाला है झूला वो भी कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग ने खूब भर भर के शॉपिंग की, जितनी शॉपिंग हो सकती थी उतनी शॉपिंग की, बट आगे भी अगर मन करेगा तो और करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये सारा जो हम लोग ने सामान परचेस किया है वो हम लोगों ने एक ही जगह से परचेस किया है, मतलब कि एक जगह सबका पूरा स्टॉल लगता है, हम लोग ने वहाँ परचेस किया। और स्टॉल भी परमानेंट दुकान है, ज़्यादा बड़ा दुकान नहीं है, जो रोड पे रहता है ना छोटा छोटा वैसा दुकान है। तो ये 1 2 3 4 5 7 दुकान है, मतलब हम लोग के सिटी में और कहीं है भी नहीं। हम लोग ने खोजने की कोशिश की बट मिला ही नहीं। तो ये एक एडवांटेज हम लोग का ये हो जाता है कि हम लोग के घर के पास है, तो ये हम लोग बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एंड बहुत अच्छा अच्छा वो रहता है, ड्रेसेस चीज़ें मटेरियल जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये ऑनलाइन भी नहीं मिला तो ये मिल जाता है फैंसी फैंसी चीज़ें हम लोग के घर के पास, तो हम लोग वहीं से ले लेते हैं। एंड प्राइस भी अच्छा ही रहता है, अगर आप लोग डिस्काउंट करने के लिए बोलेंगे देन वो सब थोड़ा मोटा डिस्काउंट कर भी देंगे। और अगर आप लोग किसी बड़े से दुकान में जाएंगे तो वहाँ पर जो फिक्स प्राइस रहता है वो फिक्स प्राइस रहता है, एंड वो बढ़ा के भी प्राइस बताते हैं। जैसे ये मैंने मटकी लिया 150 का, तो ये मटकी वो सब 250 का बताएंगे। अगर आप लोग कम भी करने की कोशिश करेंगे देन वो सब कम नहीं करेंगे। तो यही था कि हम लोगों के घर के पास रहता है और इतना सारा सामान हम लोग ने ले लिया और वो भी ये कम से कम हम लोगों का बजट हो गया होगा कुल मिला के सामान जितना हम लोग ने अभी तक में परचेज़ किया है अराउंड 5000 के करीब समथिंग आ गया होगा। तो बस इतना ही।